वेलकम स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0.221.4। फंक्शन क्या है इधर? साइन एक्स माइनस लॉग एक्स टू द बेस ई प्लस ई रेस टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, यूजिंग सिम्पसन वन थर्ड रूल, टेकिंग सिक्स पार्ट्स है। ओके, फर्स्ट टर्म फॉर्मूला लिखेंगे ना, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल लिखेंगे फर्स्ट। नाउ रूल इज ए इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू एच बाई थ्री इंटू वाई नॉट प्लस वाई एन करके है, फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू प्लस टू इंटू इवन नंबर लेना है। इवन नंबर लगभग वाई टू प्लस वाई फोर प्लस वाई सिक्स, इस तरह इवन नंबर लेना है, प्लस फोर इंटू ऑड नंबर लेना है। ऑड नंबर मतलब वन वाई वन प्लस वाई थ्री प्लस वाई फाइव प्लस एंड सो ऑन, इस तरह लेना है। इधर क्या है, टेकिंग सिक्स इक्वल पार्ट से एन इज इक्वल टू, हमको सिक्स मिल गया, हमको एच चाहिए एंड वाई वैल्यूज भी चाहिए, बाद में हमको वैल्यू मिल जाएगा। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप साइज निकालेंगे हम, द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, द लेंथ ऑफ ईच पार्ट एच इज इक्वल टू क्या है, बी माइनस ए डिवाइड बाई एन है। सो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ए वैल्यू हो गया, ए बी हो गया, ए एन हो गया, दैट इज इक्वल टू इधर 1.4 माइनस 0.2 डिवाइड बाई 6 करके है। दैट इज वेरी सिंपल, दिस इज ए 0.2 आएगा, ए 1.2 डिवाइड बाई 6 0.2 आएगा। ओके, एफ ऑफ एक्स क्या है इधर, वाई, वाई इज इक्वल टू और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दिस फंक्शन को वाई कहेंगे एंड एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स माइनस लॉग एक्स टू द बेस ई प्लस ई रेस टू एक्स करके है। हम इधर एक्स वैल्यू करें, एक्स एंड वाई, एक्स क्या है, स्टेप साइज है 0.2 है, 0.22 स्टार्ट होता है। ओके, फर्स्ट ए 0.22 स्टार्ट होता है, ये 0.2 हो गया, बाद में साइज क्या है, स्टेप साइज इक्वल डिस्टेंस 0.2 है, इधर 0.4 आएगा, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4 है। ठीक है, y लेंगे, y मतलब a फंक्शन है, y इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू, इधर सब्सिट्यूट करना है। मगर कैलकुलेटर यूज करने के पहले हमको डिग्री मोड, रेडियन मोड रहता है ना, रेडियन मोड में यूज करना है। सो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसलिए हम इसको क्या करना है, रेडियन मोड में यूज करके वैल्यू को फाइंड करना है। पुट x इज इक्वल टू क्या डालना है इधर, इसमें x को वैल्यू 0.2 डाले तो हमको मिलेगा 3.0295 आएगा। सब्स्टिट्यूट 0.4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स की जगह में 0.4 सब्स्टिट्यूट किया तो इधर 2.7975 होगा, बाद में 0.6 डाला तो 2.8976 आएगा। नेक्स्ट 0.8 है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो 3.1660 करके है, बाद में 1.0 डाला तो 3.5598 आएगा। 1.2 डालेंगे इसमें एक्स की जगह में, ये 4.0698 आएगा, बाद में 1.4 डालेंगे ये आएगा 4.7042। रेडियन मेजर यूज करना है। ओके, ये होगा टेबल, इस तरह टेबल को कंस्ट्रक्शन इसमें लेना है। ठीक है, इधर क्या है, वाई वैल्यूज मिल गया एंड एच भी इधर 0.2 है, ये वाई वैल्यूज हो गया इधर, तो वाई वैल्यूज भी मेंशन करता हूँ मैं, ये हो गया वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव एंड वाई सिक्स, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू हो गया है। ओके, नाउ सो देयर फोर यूजिंग फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ए टू बी है ना, इसलिए क्या है, ए टू बी ही लेंगे हम, वाई डी एक्स करके लेंगे, दैट इज इक्वल टू एच बाई थ्री, एच क्या है इधर 0.2 है, डिवाइड बाई थ्री लेंगे, इंटू वाई नॉट टू वाई एन, फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू, सो 3.0295 प्लस 4.7042 हो गया। ठीक है, प्लस टू इंटू इवन नंबर, वाई टू वाई फोर को लेना है, वाई सिक्स नहीं लेना है, वैल्यू को रिपीट नहीं करना है, ऑलरेडी इधर ले लिया गया है, वैल्यू को रिपीट नहीं लेना है। टू इंटू इवन नंबर ये होता है 2.8976 प्लस 3.5598 हो गया, प्लस 4 इंटू ऑड नंबर्स, वाई वन वाई थ्री वाई फाइव को लेना है, 2.7975 प्लस 3.1660 प्लस 4.0698 हो गया। ठीक है, नाउ देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी
y डी एक्स यूजिंग कैलकुलेटर, बहुत ही सिंपल है। अगर कैलकुलेटर यूज़ किया तो इधर पॉइंट आएगा 4.05211, इस तरह वैल्यू हमको मिल जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड ए सोल्यूशन। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए। सब्सक्राइब किए तो नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आपको दूसरी वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, और आई बटन में भी कुछ लिंक्स है, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी कुछ लिंक्स है। थैंक्स फॉर वॉच।